फुलाई मिठे अकेले अकेला खा जाए। अबे याल बोली तो याली मिने मिलाई यार मिठाई मी भी खाली लगू रे जो याल कालू रहने दे यार तू हमारे प्यारों को सब खा जांदी तू अरे अपनी धागुड़ी जांदी। अबे याल कंजूस बुढ़े खाई यालू माँ की कसम याल एक पाले जी बिस्कुट पैकेट लायो चाय वे को ओली तो कुछ लाई नीचे याल हाँ बेटा हाँ मीठे खा पे की पुड़ गम पची की पाले जी तो मर गए वे लब तभी बुनो चे पाले जी। अबे 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 पुड़ गम थोड़ी ना बन दो पाले जी तो कंपनी में बनो तो बोलो यार कालू पुड़गम कन के बन पाले जी यार पापे की पाद ले दी तभी तो बन वेल पाले जी। अबे अब तो बड़ू वे जो यार में दिखें भी नहीं वे जो अब तो नहीं बोलो यार में कुलवतिया पिरानी वे गे देखी भाली ए माजी अपुन तो वे तेरू मेरू करानी जो वे माजी अभी तो म्यारा बाटी खिलना दिन दिन गाया मेरी टिपड़ी कख कख बेजी मीठे पता नहीं लगाई बदली गे तू है माजी माजी ए बदली गे तू है माजी। वाव यार किल्ली दीदी वाव ये छोरी वाव वाव किल्ले कनी चाहिए वो करू है क्या नहीं दीदी भाव भाव नहीं कर रही हूँ मैं भाव भाव कर रही हूँ। ये गाना आपने कंपोज किया है यार आप तो बहुत अच्छा गाना कंपोज करते हो आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हो आप कितना अच्छा गाना कंपोज किया है आपने। बंदा सिंगर बन जाओ बल अरे बुली अभी तो मैं मोल की थुपड़ी बन रखी हूँ रिश्ते बुला बुला के पता नहीं कहाँ चुटाते हैं बंद सारी चुटाते हैं कि खुली सारी चुटाते हैं मेरी बुए मेरे को निपटाने पे आ रखी है पर कल जो बुढ़ा हमारे घर आया था उसने बोला बल मंगतू यार नाम से ही जो मंगतू हो उसे क्या रिश्ता करना पर है कौन ये मंगतू। कोई भी हो दीदी कोई भी हो मुझे तो ना आपकी शादी देख के ही जाना है गांव से। वाओ यार आपकी शादी में कितना मजा आएगा। और एक चीज दीदी जो उस दिन मुझे रोड से नीचे छोड़ने के लिए आए थे ना जो मेरे सामान लेके आए थे उनका नाम भी मंगतू था कहीं वही तो नहीं है वो जो छोड़ने आए थे हमको बैग लेके आए थे घर पे। ए लाठी सुप सुप बोल वे बिचारों का नाम तो ले भी ना उस मंगतू को देख के तो मेरे चार आंखें होती हैं एक नंबर हो बंगुड़िया धरो ले तू वो मंगतू का रिश्ता आएगा ना तो मैं तो अपनी बुए को बिडंग दे दूंगी वो मंगतू फंगतू नहीं चाहिए हमको पर तूने मेरा ब्याह देखना है मैं ब्याह दिखण ती ले हां देख ले बुबा वो तेरे की गोई वेली कि ये निपटी जाए एक बटे की और तब तू जब घर आए तो तब तेरे को हमारे ब्याह में कोई ना मिले है निपटाना ही चाह रही है तू अपनी दीदी को। मुझे तो गांव की शादी देखनी है उसके चक्कर में कोई भी निपटे मुझे क्या फर्क पड़ता है। कुछ बोली थी कुछ बोला तूने कुछ बोला ना। नहीं 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 दीदी कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ ठिकवा नहीं बोल फोन आइए। हेलो कुछ बोलो नीचे पानी गावा जाने जन बोले हावन बैठूंगा कोई। अरे सुनो नीचे मैंने बोली हेलो तो हेलो बोलो ना दीदी बड़ा ख्यार पता नहीं जेक दिमाग खराब बोल। कौन है दीदी। हेलो बोली लावा दी कुछ गिज भरे तू मेरी माँ बाबे क्या क्या कुछ बुनानी छोवा फोनी फोन मिलाना छो कुछ बोल लिया वधी कुछ बोलो जे क्या वो दीदी आवाज नहीं आ रही क्या खूब पागल ची आ रही हूँ फोन मिला के दिमाग खराब करूँ एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है ऊपर से फोन मिला के दिमाग खराब कर रहे हैं अगर मुझे पता लग गया ना कुछ तो मैंने इसी धुरपले की फटली उपाड़ के और सीधा उसके बर्मन में चुबा देनी है दिमाग खराब कर रहा है एक तो बुए ने मेरा वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है अभी फोन वाले भी परेशान करने लगे अंबानी दीदी की दुश्मनी है क्या मेरे से। The dial number is on another call. Please hold the line or call again after some time. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर दूसरे का बर्मन फोड़ रहा है कृपया अपने बर्मन फोड़ने के इंतजार के लिए दोबारा कॉल करें धन्यवाद।
हेलो 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 हाँ जी हेलो, अब आ रही है आपकी आवाज। तब से क्या हो गया, गीठी का डाट लग गया था क्या गालू पे कि थूक से वो पानी पड़ पड़ के डाट मोटा हो रहा हो और तब गले से हवा भी ना निकल रही हो तो आवाज कहाँ से आएगी? कौन माँ से बोल रहे हो? नहीं नहीं, गले पे तो भारी ठंडी पड़ रखी है जिगुड़ी पे भी ठंडी पड़ रखी है। वो हम इंक्वायरी डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं कि आपके घर में कल कोई बुढ़िया जी आए थे क्या रिश्ता लेके? इंक्वायरी डिपार्टमेंट क्यों तो? पता नहीं यार दीदी क्या होता है, हमारे बार मर चुका थे पता गीत चलाना कोई बच्चा क्या। हेलो हाँ जी हाँ जी, आए थे पाले जी का बिस्कुट का पैकेट लाए थे, मिठाई तो नहीं लाए थे, पर ये इंक्वायरी डिपार्टमेंट कौन सा होता है और आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? मिठाई का डब्बा नहीं दिए गए पापा जी, यार इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं पापा जी, बिजनेसमैन हूँ मैं तो बिजनेसमैन। नहीं वो मिठाई का डब्बा लेके आए थे पर रास्ते में उनका पांव रड़ गया और मिठाई की चित्र बितरे लग गए, अगली बार वो दो डब्बे ले आएंगे पर आपको पसंद आ गया रिश्ता। रिश्ता रिश्ता रिश्ते के लिए नहीं आए थे, वो तो हमारे यहाँ चिनकी खुजाने के लिए आए थे। रिश्ता किसने बोला आपको? चिनकी चिनकी खुजाने तो मैं और काका आते हैं, वो क्यों आएंगे चिनकी खुजाने के लिए? चिनकी क्या होता है? तो चिनकी मैं तू है मंतू। जब तेरे को मैंने 20 बार बोल दिया कि नहीं होना हमारा कुछ नहीं होना तो अब तू इस हद तक गुजर गया कि अपने बाबा को भी फटाने लग गया। पहले तूने अपने काका को लगाया और दूसरा तूने ये मेरा नंबर कहाँ से लिया और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को फोन मिलाए और भी मेरे को पूछे बिना? कहाँ से लिया तूने मेरा नंबर मंतू? नंबर तो मैंने तुम्हारी भुल्ली से ले लिया था उस दिन जिस दिन उसका सामान धरने आया था। तीन ये तो मेरा नंबर दिया है? अरे दीदी यार गलती हो गई, सॉरी यार, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, वो बहुत रो रहा था, वो मेरा सामान लेके आया ना, तुम बहुत पोलाइटली बात कर रहा था यार, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, सॉरी दीदी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने दिया सॉरी। नहीं नहीं, तुम सारे घर वाले मेरे पीछे ही पड़ गए। ए सीमा तू भी ऐसे ही निकली, इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि मेरा नंबर दे दिया तूने उसको, वो भी मेरे से पूछे बिना? रुक जा तू, आज मैं तेरे को ऐसी गड़वाली सिखाऊंगी, ऐसी गड़वाली सिखाऊंगी कि तू भी तब लोगों को गड़वाली सिखाने लगेगी। रुक तू, पहले इसका बर्मन फोड़ तू, तब बताती हूं तेरे को, रुक जा। यार मैं मंगत राम सिंह, ये मोबाइल नंबर ना डिलीट कर दे और दोबारा इस पे फोन मत करना, और रही बात रिश्ते विश्ते की तो वो घर वाले देख लेंगे, उसमें मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मेरी जब मर्जी होगी तब शादी करूंगी और तेरे को तो मैं निपटाऊंगी। रुक जा तू, इतनी हिम्मत होगी तेरे को फोन मिला रहा है, ऊपर से कुछ बोल नहीं रहा है भाई, पानी की आवाज आ रही, ऐसे लग रहा जैसे हगन बैठ रखा हो, अरे फोन मिला रहा है तो बात तो कर ले, इतना क्यों डर रहा है तू मेरे से? अरे यार तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? तुमने बोला कि चिनकी डबरी कुजाने नहीं आना हमारा गांव, मैं नहीं आया। तुमने बोला माल्टे बेचने नहीं आना, मैं नहीं आया। अब तो मैंने अपने पापा जी से रिश्ता भेजा है ना, इसमें भी तुमको गलत लग रहा है। अरे मंगतू बंगलू तो पीता होगा, दिल का बुरा थोड़ी ना है मंगतू। अरे मंगतू बंगलू पीता हो, मंगतू दारू पीता हो, मंगतू दूध पीता हो, मंगतू छोटे बच्चों की बोतल से निपट, मंगतू से मेरे को सिर्फ ये लेना देना है कि मेरे नंबर पे बिना मेरे पूछे फोन कैसे कर दिया भाई, कैसे कर दिया तूने फोन? यहाँ दोबारा फोन नहीं आना चाहिए, और मंगतू मेरी तरफ से कहीं भी जाए मेरे को मंगतू से कोई लेना देना नहीं है। मंगतू और किटड़ी का रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चाहे कितनी ताणी लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, और दोबारा यहाँ फोन मत मिलाना। और अब तो मैं ये गाँव छोड़ के जा रही हूँ, मैं ये गाँव छोड़ के कल सीधा देहरादून जा रही हूँ ब्याह में, और वही रहूंगी, आऊंगी नहीं इस गाँव में ब्याह, ये सारे गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए। अब तू जो भी काम करता है, अरे इस बार तो मैंने 12 किलो मिठाई का डिब्बा भूल गए गए थे, पाले जी बिस्कुट से भी काम नहीं हुआ, ये भी काम नहीं हुआ, कैसे बनेगी क्या ये कहानी ऐसे ही रह जाए? हाँ जी तो ये तो थोड़ी थोड़ी ना है, इसके साथ तो पूरा, अब मैं क्या करूँ गाँव छोटी के आगे वाले एपिसोड में आपको दिखने के लाइक जरूर कर दिया यार, लाइक का नाम क्या जाना अंगूठा पर दर्द क्या, वीडियो के लाइक कर दिया, चैनल के सब्सक्राइब कर, कॉमेडी यूट्यूब चैनल मान ठीक से यूट्यूब नाम और अपना पता लेके हमसे भेज दिया, नोटिफिकेशन मिल जाओ, करो अपना नाम और एड्रेस हमते हैं व्हाट्सएप में भेज दो।